जैन साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दायनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। हम आपको अपने क्लास लेखपाल के क्लास में चल रहे हैं लेके, और इस लेखपाल के क्लास में हमने जिस प्रकार से आपसे वादा किया था कि दो दिन हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो आज का जो सेशन है वो करंट अफेयर के साथ है, ठीक है। और इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग लगभग 8 मंथ का, ठीक है, 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। लगभग सितंबर अक्टूबर तक का करंट हम लोग, ठीक है, आने वाले सितंबर अक्टूबर तक, यानी कि जब तक पेपर हो नहीं जाता है तब तक हम लोग इस करंट अफेयर के सेशन को, ठीक है, लेखपाल के लिए पढ़ते रहेंगे। और जो एक लेखपाल जो सभी पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, 6 बजे, सुबह 6 बजे आपको मिलेगा, लेकिन 2 दिनों के बाद, ठीक है। अब देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि जो आपकी क्लास होगी वो कितने कब से कब तक होगी, तो मंडे टू फ्राइडे, ठीक, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन मैंने सोचा कि मंडे टू फ्राइडे क्लास तो होगी ही होगी, ठीक है, 3 दिन आपकी करंट, 3 दिन आपकी ग्रामीण प्रवेश की होगी, ठीक है, और ग्रामीण विकास की होगी, और 2 दिन आपकी करंट अफेयर की होगी, ठीक है, 2 दिन आपकी क्या होगी, करंट अफेयर की होगी। और अब जो बचा 2 दिन, यानी कि सैटरडे और संडे जो क्लास बचा है, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन यानी कि क्वेश्चन सेशन लेके आ जाऊं जीके का, ठीक है, होल जीके का, कुछ पॉलिटी का, कुछ यूपी स्पेशल का, कुछ हिस्ट्री का, कुछ ज्योग्राफी का, कुछ इकोनॉमिक्स का, मैं सारे क्वेश्चन लेके आ जाऊं और आप लोगों के लिए बेहतरीन सा प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है। फिलहाल देखिए, हम लोग करंट अफेयर जो पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे एक करंट अफेयर को हमने उठाया, एक करंट को हमने उठाया और उस पे बनने वाले सारे इतिहास को पढ़ेंगे, यानी कि जो ये करंट अफेयर होगा, ठीक है, करंट अफेयर प्लस आपका क्या होगा, स्टैटिक जीके, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिक जीके भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है, स्टैटिक जीके भी इसमें आपको इन्वॉल्व होगा। तो आज का पहला करंट है कि जर्मन ट्रेड बुक, ठीक है, एक संस्था है जिसका नाम है जर्मन ट्रेड बुक, ठीक है, जर्मन ट्रेड बुक। और ये जो जर्मन ट्रेड बुक है ये क्या देता है, प्राइज देता है, ठीक है, पीस प्राइज देता है, किस क्षेत्र में देता है, तो ये जो देता है कला के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और किसमें, समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है, समाज सेवा के क्षेत्र में, जो एक टर्म जर्मन ट्रेड बुक है, ठीक है, एक संस्था है और ये संस्था क्या करता है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में क्या देता है, प्राइज देता है, ठीक है, पुरस्कार देता है। अब देखिए, जर्मन ट्रेड संस्था की स्थापना, ठीक है, जर्मन ट्रेड संस्था की स्थापना कब हुई, तो जर्मन ट्रेड संस्था की स्थापना 1950 में हुई, ठीक है, जर्मन ट्रेड बुक की जो स्थापना हुई वो कब हुई, तो 1950, ठीक है, किसमें हुई, तो 1950 में हुई। लेकिन ये पुरस्कार जो देने लगी, ठीक है, ये जो पुरस्कार देने लगी कब से देने लगी, 1953 से देने लगी। अब बात आती है कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं, तो मैं ये जो बता रहा हूं कि जो इसके इस साल के विजेता हैं भारत के, ठीक है, जो इस साल के विजेता हैं भारत के, ठीक है, कौन, इसके पुरस्कार के जो विजेता हैं भारत के, ठीक है, भारत के विजेता हैं वो कौन हैं, तो आप कहेंगे सर अमर्त्य सेन है, ठीक है, कौन है, अमर्त्य सेन है। अब देखिए, अमर्त्य सेन क्या है, तो अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन भारतीय मूल के, ठीक है, अमर्त्य सेन भारतीय मूल के क्या है, तो अर्थ शास्त्री हैं, क्या है, अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य सेन क्या है, एक अर्थशास्त्री हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो ये पुरस्कार दिया नहीं जाता है, ठीक है, क्या है, कौन सा पुरस्कार, तो हम लोग इसे कहेंगे जो पीस प्राइज, ठीक है, जो शांति का पुरस्कार मिला, पीस प्राइज,
ठीक है, किसे मिला है भारत के, तो अमर्त्य सेन को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है, तो किस क्षेत्र में मिला है, समाज सेवा के लिए मिला है। ठीक है, किसके लिए मिला है, तो समाज सेवा के लिए मिला है। और जो समाज सेवा के लिए मिला है, तो इनके विषय, ठीक है, इनकी इनको किस विषय पे मिला, तो इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ ग्लोबल जस्टिस, क्वेश्चन ऑफ ग्लोबल जस्टिस। ठीक है, इनकी किस विषय पर मिला है, तो क्वेश्चन ऑफ ग्लोबल जस्टिस के विषय पर इन्हें क्या दिया गया है, ये पूरे विश्व के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ ग्लोबल जस्टिस, तो इसके लिए इनको मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है। ठीक है, अमर्त्य सेन को मिला है, और जो है ये अमेरिका में इस समय प्रोफेसर हैं। तो कहां पर हैं प्रोफेसर, आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट करके। अब बात करते हैं कि ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन क्या हैं, तो अमर्त्य सेन पहले भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला है। अब बात आती है कि नोबेल पुरस्कार कब मिला है, तो नोबेल पुरस्कार मिला है 1998 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कब मिला है, तो नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला है। अब देखिए इससे जुड़ी और घटना देखते हैं कि जो भारत में, ठीक है, जर्मन ट्रेड बुक से जो भारत में के द्वारा जो नवाजे गए, सबसे पहले कौन नवाजे गए, तो 1961 में सबसे पहले भारतीय जो हैं जिनको मिला, उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, क्या नाम है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले क्या मिला, तो सबसे पहले जर्मन ट्रेड बुक के द्वारा पुरस्कार मिला था। ठीक है, जर्मन ट्रेड बुक के द्वारा पुरस्कार मिला था। तो ये था आज का पहला करंट अफेयर कि जर्मन ट्रेड बुक से जो पीस प्राइज मिली, किस भारतीय को मिली, तो आप कहेंगे सर अमर्त्य सेन को मिली। ठीक है, या फिर यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि पीस प्राइज जर्मन ट्रेड के द्वारा पीस प्राइज पाने वाले अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में मिला, तो आप कहेंगे सर समाज सेवा में मिला। किसमें मिला, समाज सेवा में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अमर्त्य सेन क्या है, तो अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं। और तीसरा और क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो और क्वेश्चन बन सकता है कि जर्मन ट्रेड बुक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1950 में हुई। ठीक है, 1950 में हुई। और ये पुरस्कार कब से देने लगा, तो ये पुरस्कार 1953 से देने लगा। ठीक है, ये पुरस्कार कब से देने लगा, तो 1953 से देने लगा। फिर पूछा जा सकता है कि सबसे पहले वो कौन भारतीय हैं जिन्हें जर्मन ट्रेड बुक के द्वारा पुरस्कार मिला, तो किसे मिला, सर्वपल्ली राधा कृष्णन को। या फिर पूछा जा सकता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो आप कहेंगे अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला। या फिर पूछा जा सकता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। ठीक है, तो यहां से हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इसका लाभ और भी लोगों तक मिल सके। ठीक है, आप लोग का लाइक ही हमारा प्रोत्साहन है। अगर आप लोग लाइक कम करते हैं, थोड़ा सा मजा कम आता है पढ़ाने में। ठीक है, और अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें और भी मजा आता है। हम और भी ऐसे डेटाज को क्या करते हैं, खोजते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
बहुत मेहनत करते हैं। देखिए ये सारी चीजें आपको एक जगह नहीं मिलेगी, एक मैगजीन एक पेपर में नहीं मिलेगी। इन सभी चीजों को कई मैगजीन कई पेपर से कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो इसके लिए आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्लीज आप इसे एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसके बाद अपनी भाषा में इसे अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जल्दी से बताता हूं मैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो उत्तर प्रदेश का, जो यूपी का, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट था, ठीक है, जो सरिथानी है, ठीक है, जो यूपी का कुशीनगर एयरपोर्ट है, इसे, इस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया गया है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया गया है, ठीक है, यूपी का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया गया है। अब बात आती है कि यूपी का ये चौथा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यूपी का ये चौथा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, तो ये फोर्थ नंबर का, ठीक है, ये फोर्थ नंबर का एयरपोर्ट बना है, ये फोर्थ नंबर का एयरपोर्ट बन गया है क्या अंतरराष्ट्रीय। अब यूपी में कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, तो यूपी में अब चार अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये यूपी का चौथा है तो भारत का कौन सा है, तो भारत का किस नंबर का है, तो भारत का यह 29वां एयरपोर्ट है, ठीक है, ये भारत का 29वां एयरपोर्ट है, ठीक है, ये भारत का 29वां एयरपोर्ट है जो अब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। अब यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, तो आपको समझ में आया होगा कि सर पहला, दूसरा और तीसरा, तीन और कौन से हैं। मैं देखिए क्रम नहीं बता रहा हूं कि पहले ये बना फिर ये बना, मैं ये बता रहा हूं कि तीन और कौन से हैं। तो तीन और कौन से हैं, तो इसमें पहला है बनारस, ठीक है, पहला है आप में बनारस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, बनारस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए बनारस इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इसी का नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है ये कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे ये बनारस के बाबतपुर, ठीक है, ये बनारस के बाबतपुर गांव में स्थित है, बनारस के बाबतपुर गांव में है, ठीक है, तो ये बनारस के बाबतपुर गांव में है, ठीक है, क्या है, देखिए बनारस इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर इसी का नाम है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां है, तो बनारस के बाबतपुर में है। चलिए अब बात करते हैं जो दूसरा है वो क्या है, तो दूसरा है लखनऊ एयरपोर्ट, ठीक है, लखनऊ एयरपोर्ट। अब देखिए जो लखनऊ एयरपोर्ट का, जो लखनऊ एयरपोर्ट है इसका नाम और क्या है, तो इसका नाम है चौधरी चरण सिंह। और देखिए जो चौधरी चरण सिंह है इसी का एक और नाम है, जो चौधरी चरण सिंह है इसी का एक और नाम है, उसका नाम है अमौसी, ठीक है, अमौसी एयरपोर्ट, ठीक है, इसका नाम क्या है, अमौसी एयरपोर्ट। तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन सभी के नामों को मैं यहां पे बता रहा हूं ताकि
आप क्या कर पाएं, अच्छे से नोट कर पाएं और समझ पाएं। अब देखिए दो हो गया, एक दो हो गया, अब तीसरा हम देखते हैं तीसरा क्या है। तो तीसरा है जेवर एयरपोर्ट, तीसरा क्या है, तो तीसरा है जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि नोएडा में स्थित है, ठीक है, जो कि नोएडा में स्थित है। और ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, इसका निर्माण चल रहा है, ठीक है, इसका निर्माण चल रहा है। तो यहाँ का करंट क्या है कि यूपी का एयरपोर्ट, यूपी का जो कुशीनगर एयरपोर्ट है वो अब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, वो अब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। और ये कौन से नंबर का है, तो ये चौथे नंबर का, यूपी के चौथे नंबर का है और भारत में ये 29वां नंबर पे बना है, ठीक है, 29वां नंबर बना है। और 24 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो सुचारू रूप से चालू हैं, ठीक है, लेकिन 5 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो अभी क्या हैं, प्रोग्रेस पे हैं, ठीक है, 5 ऐसे हैं जो अभी प्रोग्रेस पे हैं। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बन के आता है कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर है। तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में है, ठीक है, कितने हैं, तो 5 हैं, ठीक है, कितने हैं, तो 5 हैं, पांचवा भी प्रोग्रेस पे है, ठीक है, पांचवा भी क्या है, प्रोग्रेस पे है। तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में है, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने मंदिर सुना होगा, एक कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है, आपने एक मंदिर सुना होगा जिसका नाम है कामाख्या देवी मंदिर। सबसे पहली बात तो कामाख्या देवी मंदिर है का, ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर है का, तो आप कहेंगे सर कामाख्या देवी मंदिर जो है असम के गुवाहाटी, ठीक है, असम के गुवाहाटी में है, गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी में है, ठीक है, कहां पर है, असम के गुवाहाटी में है। और देखिए यहां ये इसका करंट क्या बना हुआ है, यहां पे लगता है एक मेला, ठीक है, यहां पे लगता है एक मेला, ठीक है, उस मेले का नाम क्या है मैं अभी बताता हूं, लेकिन इसके पहले मैं बताता हूं जो कामाख्या देवी मंदिर है ये क्यों बना है, ठीक है, जो शिव जी की पत्नी पार्वती थी, ठीक है, जो शिव जी की पत्नी पार्वती थी, जब उनके पिताजी से उनकी, ठीक है, उनकी पत्नी का उनके पिताजी से, ठीक है, क्या हो जाता है, जब अनबन हो जाती है, तो उनके पिताजी ने पार्वती जी को क्या कर दिया था, जला दिया था। तो शिव जी क्रोधित होकर उसे अपने गोद में उठाकर घूम रहे थे, तो जहां जहां उनके सर का अंग गिरा, ठीक है, वहां वहां पे क्या बना, एक देवी पीठ बनी, तो उसी में से एक देवी पीठ ये भी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, देवी सती का ये कौन सा नंबर, देवी सती का ये कौन सा नंबर है, तो मैं इतना नहीं बताऊंगा ये कौन सा है, ये आपको बताना है, मैं सिर्फ इसमें बताऊंगा कि टोटल कितने हैं, तो टोटल 51 है, और इसी 51 में से, ठीक है, ये इसी 51 में से एक है। और यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि देवी पीठ कितनी है, तो देवी पीठ कितनी है, तो आप कहेंगे कि जो देवी पीठ है वो कितनी है, तो वो 51 है, ठीक है, तो वो 51 है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, तो यहाँ पे मेला लगता है अंबुबाची, ठीक है, अंबुबाची का मेला, यहाँ पे क्या लगता है, अंबुबाची का मेला, ठीक है, या फिर अंबुबाची मेला, जो कि अब की बार नहीं लगेगा, ठीक है, जो कि अब की बार नहीं लगा,
ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते हुए इस मेले को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे असम के गुवाहाटी में लगता है। किस मंदिर पे लगता है, तो ये किस मंदिर पे लगता है, तो कामाख्या देवी मंदिर पे लगता है। तो कामाख्या देवी मंदिर क्या देवी पीठ में से एक है, तो एक है। अब देखिए अंबुबाची का मेला कितने दिन का होता है, तो अंबुबाची का मेला 5 दिन का होता है। ठीक है, अंबुबाची का मेला कितने दिन तक चलता है, तो अंबुबाची का मेला 5 दिन तक चलता है। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट करंट आते की, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं एकदम प्यार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। ठीक है, एक संस्था है जिसका नाम है ITF। ठीक है, जिसका नाम है ITF, और इसने किसके साथ, इसने किसके साथ, तो इसने इसने नीति आयोग के साथ मिलकर, इसने नीति आयोग के साथ मिलकर एक, इसने ठीक है, ITF और नीति आयोग दोनों ने इस साथ मिलकर एक योजना चलाई है जिसका नाम है कार्बन मुक्त, कार्बन, उसका क्या नाम है, तो कार्बन मुक्त पर्यावरण सेवा। ठीक है, कार्बन मुक्त पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण सेवा, कार्बन मुक्त पर्यावरण सेवा इसने चलाई है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उद्देश्य से ही पूछा जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाएगा, तो उद्देश्य से ही पूछा जाएगा। तो क्या है, पर्यावरण को, पर्यावरण को कार्बन से मुक्त करना। ठीक है, पर्यावरण को कार्बन से मुक्त करना। अब बात यहां पे आती है कि सर ITF का फुल फॉर्म क्या है, ITF का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। अब इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय पेरिस है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है ITF का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ITF का हेडक्वार्टर पेरिस है। ठीक है, ITF का हेडक्वार्टर पेरिस है। और अगर बात करते हैं, ठीक है, कि इसके हेड कौन है, ठीक है, ITF के हेड कौन है, तो आप इनका नाम बताएंगे यांग ताई किम। ठीक है, यांग ताई किम, यांग ताई किम। ठीक है, नाम क्या है, यांग ताई किम। ठीक है, ITF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस। ठीक है, इसके हेड कौन है, यांग ताई किम है। ठीक है, ITF ने किसके साथ मिलकर कार्बन मुक्त पर्यावरण सेवा चलाई है, तो नीति आयोग के साथ मिलकर। ठीक है, नीति आयोग के साथ, यहाँ पे आयोग लिख दे रहा हूं, नीति आयोग के साथ मिलकर चलाई है। तो अब बात आती है कि सर नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांस
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहां से क्वेश्चन काफी प्यारा मैं आपको बता रहा हूं कि जो है यहां से क्वेश्चन पूछा गया, नीति आयोग में टी का मतलब क्या है, नीति आयोग में टी का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। यहां पे टी का मतलब ट्रांसपोर्ट भी लिख के आया, ट्रांसफॉर्म भी लिख के आया, ठीक है, तो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब बात करते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, पीएम। अगर मैं बात करता हूं उपाध्यक्ष की, अगर मैं बात करता हूं उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन है, राजीव, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव, राजीव कुमार है, उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। अगर बात करें सीईओ की, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है मैं यहां पे नहीं बताने वाला हूं, तो सीईओ का मतलब कौन है, तो अमिताभ, ठीक है, कौन है, तो है अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, जहां पे मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं वहां पे ढेर सारी चींटियां आ गई हैं और वो नीचे पैर में काट रही हैं, तो इसलिए आज मैं आज की क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।